दादी माँ, ये आपके हाथ में क्या है? ले, तेरे टिकट के चक्कर में मैं तो भूल ही गई। ये मेरी छोटी बहू के लिए। दादी माँ ये सब रख लो, वो हमें काम आएगा। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए, रात के पहले मत खोलना। हाँ अच्छा सुनो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो मेरे साथ। अरे दादी माँ, उसे मेरे साथ चलना। हाँ हाँ चली जाएगी तेरे साथ। और तू डर मत, तेरी फ्लाइट नहीं छूटेगी, आज ही जाएगा तू हनीमून के लिए। हाँ छोटी बहू, ये कौन है? ये राधा रानी है। ये कृष्ण की कौन है? उनकी सखी और उनकी प्रेयसी। हाँ प्रेयसी। राधा रानी लक्ष्मी का अंश अवतार है, पूर्ण अवतार रुक्मिणी है। तुम्हें गोवा में देव की राधिका बन के रहना है, रुक्मिणी नहीं। मुझे वचन दो, तुम मेरे देव को हर तरह से खुश रखोगी। फ्लाइट का अराइवल टाइम 10:30 बजे, ये लोग 11 बजे तक एयरपोर्ट से बाहर आ जाएंगे। आप ड्राइवर से कहिएगा कि गेट नंबर 1 के बाहर गाड़ी लेकर तैयार रहे। जी थैंक यू सो मच। देव बाबू, सारी चिंताएं छोड़ करके सिर्फ छुट्टी मनाइएगा, बिल्कुल रिलैक्स। अब मठ मंदिर का कोई काम होगा तो हम देख लेंगे। थैंक यू चाचा जी, आप है तो मुझे किस बात की चिंता होगी। अरे जिम्मेदारी तो हमारे रग रग में बसा हुआ है भाई। ये बताओ राधिका कहाँ है? अरे हाँ राधिका कहाँ है दी? माँ वो दादी माँ लेके गई है, देखो ना देर हो जाएगी। कोई देर नहीं होगी, ये रही तेरी पत्नी और अगले 3 दिन तक तेरी ही पत्नी रहेगी। अरे देव भैया जल्दी चलिए ना, गाड़ी तैयार खड़ी है। अरे ठहरो एक मिनट। लग रहा था जैसे देवताओं ने कपास के खेत उगाए हों। रामायण में जिस पुष्पक विमान के बारे में पढ़ा था शायद वो कुछ ऐसा ही होगा, है ना? चलो वो देखो। गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू गोवा। थैंक यू। होटल पैराडाइज की तरफ मैं आपका स्वागत करता हूँ। यस सर, प्लीज आइए सर। अरे देव का ही फोन आ रहा है। हेलो देव। हेलो भैया। हाँ हम लोग गोवा पहुंच गए। अरे तुम्हारी फ्लाइट लेट हो गई थी क्या? हाँ भैया आधा घंटा लेट हो गई थी, पर चलता है, अभी तो हम होटल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। अरे अरे तू क्या कर रहा है, मेरी भी तो बात करा। हाँ देव माँ से बात करो। देव जी प्रणाम। राधिका को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? अरे पहली बार ट्रेन में सफर कर रही है ना? प्लेन में बादलों से बात करती हुई आई है। बस ठाकुर जी उसे ऐसे ही हमेशा खुश रखे। बेटा उसका ठीक से ख्याल रखना। हाँ जी माँ। यहीं कहीं उस बिरजू को कुछ मिला था तो उसने मुझसे छुपाया था। इस कमरे में कुछ ना कुछ खेल तो जरूर हुआ। कोई तो था इस कमरे में।